أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن वह अबिकल्लशन अली अल्लाह के नाम से जो दयावान अत्यंत कृपाशील है भाइयों और बहनों कुरान वर्तमान में जीने की कला के विषय के तहत ये कार्यक्रम इस रमज़ान में आप बार बार सुन रहे हैं कुरान के तीस भाग हैं बड़े बड़े उसे पारा कहते हैं उन भागों में से शुरू से तीन तीन भागों को लेकर इसमें पूरे मानों को संबोधित करते हुए जो सच्चाइयाँ और जो संदेश मानों के हित में अल्लाह ईश्वर की ओर से भेजा गया है बताया गया है उसी को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है आपसे पहले मेरे मित्रों ने भी इस कार्यक्रम में आपके सामने विचारों को प्रस्तुत किया था जनाब वारिस हुसैन इंजीनियर और डॉक्टर फरहत हुसैन साहब और आज आपके सामने क़ुरान के 25, 26, 27 ये तीन भाग में जो महत्वपूर्ण सच्चाइयों को जो बुनियादी सच्चाइयों को बताया गया है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें कई अध्याय आते हैं अब उनके सब नाम लेने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है एक बात तो ये बताई गई कि अल्लाह ईश्वर का किसी को उसके साथ सहभागी बनाना जैसे उस काल में अरब में वहाँ के लोग फरिश्तों को जो एंजल्स उनको अल्लाह ईश्वर की बेटियाँ कहते थे ऐसे ही कुछ लोग बेटे कहते थे किसी को तो अल्लाह की ईश्वर की कोई संतान बनाना या संतान न बनाकर भी उसके साथ किसी को सहभागी बनाना बताया गया कि ये बहुत बड़ा जुर्म है क्योंकि उसका कोई सहभागी नहीं है उसने कहीं ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि फलां या फला कोई मेरे सहभागी हैं तो फिर हम अपनी तरफ से उसके सहभागी बनाकर उनको भी खुदा ईश्वर अल्लाह बना लेना कितना बड़ा पाप होगा आप सोचिए यह भी बताया कि पहले दिन से जानकारी मानो को दी गई धरती पर मानो ने कदम रखे उसके साथ मार्गदर्शन उसके जीवन के लिए एक संदेश उसके जीवन व्यापन करने के लिए यापन करने के लिए उसको पूरी जो रहनुमाई गाइडेंस डिवाइन गाइडेंस पहले दिन से दी गई लोग चलते भी रहे परंतु बाद में चलकर लोगों के अंदर ये एक दूसरे पर ज्यादती करने अन्याय करने अत्याचार करने की अंदर से एक इच्छा बढ़ने लगी उसने ये सब करना शुरू किया तो रास्ते अलग 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 बना दिए रास्ता एक था उस एक रास्ते से पगडंडियाँ निकाल कर या और रास्ते बनाकर रास्ते उसमें से निकाल लिए बताया कि देखो तुम पर जो भी मुसीबत कष्ट आता है परेशानियाँ आती हैं वह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है वो आपसे आप ऐसे ही नहीं आ जाती हैं तुम्हारे जैसे पाप हैं तुम्हारे जैसे कर्म हैं दुष्कर्म उनके कारण ये सब चीजें आती हैं अभी हम कोरोना की महामारी को झेल रहे हैं पूरे विश्व के 80 से ज्यादा देशों के अंदर हमारे देश के अंदर भी ये महामारी एक बहुत बड़ा देव बनकर लोगों को निगल रहा है लोगों की मृत्यु हो रही है अफेक्टेड और पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये कहाँ से आया एक छोटा सा कीड़ा तो एक छोटे से कीड़े को मनुष्य हरा नहीं सकता उस अल्लाह ईश्वर का क्या मुकाबला कर सकेगा तो कुरान में ये बात बताई गई तुम अपने रब को आजिश करने वाले उसे कमज़ोर करने वाले नहीं हो तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है उसने तुमको पैदा किया है तुम उसके बंदे हो उसके कंट्रोल में हो जब चाहे तुम्हारा जीवन ले ले जब चाहे कोई कष्ट एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान को मानव को वास्तविकता इसकी हकीकत बताई गई तो इससे ये सबक निकला है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर दुष्कर्मों से बाज आ जाए अल्लाह ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करे अपनी इच्छा के पीछे न चले शैतान भटका देगा फिर एक बड़ी अजीब बात बताई भाइयों और बहनों इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है और वह यह है कि तुम एक अल्लाह ईश्वर को छोड़कर जिन जिन-जिन की उपासना कर रहे हो वास्तव में वो तो है ही नहीं अल्लाह ईश्वर या उसके बराबर वो तो है ही नहीं इतना ही नहीं बल्कि तुमको मृत्यु के बाद पता चलेगा कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि उनको दुनिया में उनकी पूजा पाठ या उनकी उपासना उनसे प्रार्थना की जा रही है उनको भी पता नहीं था वो खुद नहीं जानते थे भाइयों बताइए शैतान हमको कितना भटकाता है कहां कहां ले जाता है हमें किस तरह से बचना चाहिए शैतान के रास्ते से और कुरान जो मार्गदर्शन दे रहा है कुरान जो इस बड़ी सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है उस पर ध्यान देने की और उसे अपने जीवन में स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है फिर बताया कि हमने इंसान को पैदा किया अल्लाह ईश्वर नाहन मिन हबलिल वरीद उसकी गर्दन की जो रग है उस रग से भी ज़्यादा निकट हम हैं इंसान के मनुष्य के मनुष्य के विचारों को उसके दिल में उठने वाले जज्बात एहसास को सारी चीज़ों को हम जानते हैं हम बेखबर नहीं हैं और फिर बताया कि नरक का थोड़ा सा परिचय कराया गया कि नरक के अंदर जिन लोगों को डाला जाएगा वो कौन लोग होंगे एक तो जो सत्य से अपने जीवन में दुश्मनी करते रहे विरोधता उसकी शत्रु उससे बने रहे सत्य के और अच्छे कामों को रोकने वाले और फिर हद से आगे बढ़ने वाले सीमा के अंदर रहना ज़रूरी है मनुष्य जब सीमा से बाहर होता है अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझता है कहता है खुदा कहाँ है अल्लाह ईश्वर कहाँ है मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ तो मैं ही मैं हूँ तो जब कुदरत उसे मज़ा चकाती है इस दुनिया के जीवन के बाद अल्लाह ईश्वर का कहना है तुमको नर्क की आग में डाला जाएगा तुम अपने आप को बचा नहीं सकते और फिर जो शक करते हैं सच्चाई की बातों को पहले से किसी सोच विचार या पहले से बने हुए विचारों को हटाकर जब वो सोच विचार करते हैं तो सत्य उनको मिल जाता है परंतु वो ऐसा नहीं करते और पहले से कुछ बने हुए विचारों को स... जहन में अपने मन में रख कर सोच विचार करते हैं तो बताया गया है कि ये तरीका सही नहीं है और अल्लाह ईश्वर किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है भाई और बहनों और आगे चल कर ये कुरान की एक बहुत ही सुंदर एक अध्याय है उसे और रहमान कहते हैं उसमें एक मंत्र है जो बार बार दोहराया गया है फबी अला ये रब्बी कुमा तो फबी अये आला ये रब्य मा तो कीबान इसमें कहा गया है कि आए मनुष्यो आए जिनो तुम दोनों मिलकर अल्लाह ईश्वर की किन किन अनुकंपाओं को झुटलाओगे अल्लाह ईश्वर ने ये सब कुछ तुम्हें दिया तो मैं आगे आपको बताऊंगा उसने क्या क्या दिया है परंतु उस अध्याय में बड़े सुंदर पद्धति से इसको बार बार बोला गया है फबी अये आला ये रब्य मा तो अगर आप क़ुरान को सुनेंगे तो ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि कितने सुंदर रूप से इस मंत्र को बार बार मनुष्य को उसे आह्वान किया गया है उसके अंदर से एक उसे एक आवाज़ दी गई है कि तुम ज़रा सोचो तो सही तुम अल्लाह ईश्वर की अनुकंपाओं का तुम इनकार क्यों कर रहे हो पहली बात तो ये बताई कि वो अल्लाह ईश्वर बड़ा मेहरबान है जिसने मानो को यह कुरान दिया आप देखिए उसका बहुत बड़ा उपकार है ये किताब ये पुस्तक ग्रंथ वो बातें हमें बता रही है जो हम अपने बुद्धि के आधार पर अपने ज्ञान के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर और अपने इतिहास के आधार पर हम जान नहीं सकते थे नहीं जान सके अब तक ये पुस्तक वो ज्ञान देती है इसी से हमें वो बातें मालूम होती हैं जो हमारे जीवन के लिए अवश्य हैं हमारे हित में हैं तो भाइयों और बहनों मेहरबान है वो खुदा अल्लाह ईश्वर जिसने इंसान को कुरान की शिक्षा दी दि, कुरान दिया और फिर कहा गया कि इंसान को उसने पैदा किया और इंसान को बोलना सिखाया ये बोलने की इस शक्ति पर ज़रा विचार कीजिए पशु पक्षियों को तो वो कुछ आवाज़ें निकालते हैं वही उनका बोलना है परंतु इंसान के अंदर मानों के अंदर ये शक्ति दी गई कि वो अपने विचारों को सुंदर तरीके से लोगों के सामने रखता है अपनी बात को दूसरों को समझाता है बताता है अपने कष्ट को अपनी तकलीफ को और अपने हित में कोई अच्छाई हुई है तो उसे सब बताता है तो बताया गया कि मेहरबान है वो खुदा अल्लाह ईश्वर जिसने ये सब किया और फिर एक बड़ी बात बताई गई जिसको हम दिन रात आंखों से देख रहे हैं देखिए इतना बड़ा सूरज है ये मई का महीना है और सूरज चमक रहा है और रात आती है तो चाँद है और बहुत सारे नक्षत्र तारे हैं गैलेक्सीज़ हैं आकाश गंगाएँ तो ये सब हैं बताया गया कि ये सब उसी एक अल्लाह ईश्वर के नियम पर चल रहे हैं उसकी कानून का अनुसरण करते हैं पालन करते हैं उससे हटकर वो एक क्षण के लिए भी अलग हो, नहीं होते ये समस्त ब्रह्मांड उसके बनाए हुए नियम के तहत चल रहा है और इस पूरे ब्रह्मांड को सारी चीज़ों को अल्लाह ईश्वर ने न्याय अदल उर्दू में कहा जाता है इंसाफ लेकिन अरबी में कुरान के अंदर जो शब्द उपयोग हुआ है वो अदल का है तो इसमें न्याय की सारी चीजें इसमें दाखिल हैं कि न्याय के आधार पर ब्रह्मांड के समस्त व्यवस्था को अल्लाह ईश्वर ने स्थापित किया है तो आए मनुष्य तुम भी अल्लाह की आदेशों का पालन करो तुम भी अल्लाह ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलो सत्य मार्ग से न हटो ये सब के सब तो न्याय पर स्थापित हैं तुम एक अपने जीवन में थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली उस स्वतंत्रता का अगर तुम दुरुपयोग करके रास्ता भटक जाओगे सत्य को छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर अशांति और तुम्हारे जीवन के अंदर कष्ट और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां जीवन के अंदर आएंगी और भाइयों और बहनों आज आ रही हैं इसका कारण कुरान बता रहा है और फिर बताया देखो तुम्हारे जीवन की एक छोटी सी उदाहरण को ले लो तुम चीज़ों को तौल कर देते हो तराजू में और लेते हो तो लेने के वक्त में तो चाहते हो कि तुम्हें पूरी चीज़ें मिलें लेकिन देने के वक्त में बेईमानी करते हो थोड़ा सा तराजू को डंडी मारते हो थोड़ा कम ज्यादा करके गाहक को धोखा देते हो बताओ ये छोटी सी उदाहरण ले लो इसी को अपने जीवन पर फैला कर देखो तो भाई और बहनों आप सोच विचार करें कि कुरान ने कितने सुंदर तरीके से रूप से हमें बड़ी बड़ी सच्चाइयों को सरल तरीके से हमको समझाया है फिर बताया उस अल्लाह ईश्वर के काम क्या क्या हैं ये धरती बनाई तुम्हारे लिए आकाश बनाए और फल निकाले और तुम्हारे लिए समुद्र है तुम्हारे बड़े बड़े जहाज नौका उसमें पहाड़ों की तरह खड़े हैं और उसी समुद्र में तुम मोती निकालते हो मूँगे निकालते हो साज सज्जा की चीजें वस्तुएं उससे निकाल कर उपयोग उनका सेवन करते हो तो बताओ अय जिन और अय इंसानों तुम अपने रब की अल्लाह ईश्वर की किन किन नियमतों को झुटलाओगे पबी अई आला ये रब कुमा तो कबान भाई और बहनों इसके बाद ये पूरा दुनिया का जीवन जिस पर हम मर मिटे हैं और सुबह शाम हमें फुर्सत नहीं है धर्म के विषय में और कुरान की कुछ अध्ययन करने के लिए हमारे पास कोई समय बिल्कुल नहीं है हम इतने बिजी शेड्यूल में जीवन बिता रहे हैं कुरान कहता है ये जीवन क्या है ये जीवन एक खेल है थोड़ी देर का बच्चे खेल लेते हैं और फिर हट जाते हैं दूसरे काम में लग जाते हैं ये थोड़ी देर का एक खेल है दिल लगी है तुम आपस में एक दूसरे से धन संपत्ति में और संतान में बढ़ना चाहते हो कंपटीशन करते हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके समझते हो कि मैं कामयाब हूँ तो ये तुम्हारा जीवन है परंतु क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ये सब चीज़ें साजो सामान तुम्हारे साथ रहने वाला है कुरान बताता है भाइयों और बहनों नहीं तुम्हें एक दिन मृत्यु आएगी मृत्यु के बाद में एक अवसर पढ़य का होगा पढ़य के बाद सारे मानों को इकट्ठा किया जाएगा और वहां अल्लाह ईश्वर फाइनल रूप से फैसला करेगा जजमेंट देगा कि किस व्यक्ति को कहा जाना है दो ही ठिकाने हैं एक स्वर्ग है जन्नत कुरान के बयान के अनुसार और दूसरी जगह है नरक की आग और भाइयों और बहनों तीसरा कोई ठिकाना मनुष्य के लिए नहीं रहेगा तो यह तुम्हारा जीवन है क्यों नहीं जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हो क्यों नहीं अपने जीवन में अल्लाह की इच्छा अनुसार जीवन यापन करते हो क्यों नहीं उसके मार्गदर्शन पर तुम चलते हो तो ये बात बताई गई आखिरी में ये बताया गया कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ईश्वर ने मानव के मार्गदर्शन के लिए पैगंबरों को भेजा है वो खुद धरती पर नहीं आया वो उसे अवतार बनने की आवश्यकता नहीं थी वो धरती पर मनुष्यों में से चुनकर किसी को पैगंबर बनाता नियुक्त करता फिर घोषित होता कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं तो भाइयों और बहनों पैगंबर तीन चीजें लेकर मानो के पास आते रहे आपको ध्यान होगा इससे पहले हम बता चुके हैं कि पैगंबरों का संदेश वाहकों का ये सिलसिला हजरत मोहम्मद के ऊपर जो अंतिम संदेशता या संदेशवाहक है आज से एक हजार चार वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है अंतिम संदेशता संदेशवाहक के रूप में मोहम्मद साहब आ चुके उनके बारे में कुछ मित्रों ने बताया है कि कल की अवतार जिनकी तलाश हो रही है कलयुग में वो कल की अवतार तो हजरत मोहम्मद ही हैं तो खुलासा यही है सार कि पैगंबर तीन चीज़ें लेकर आते थे वो अल्लाह ईश्वर की तरफ से खुले खुले चिन्ह निशानियां लेकर आते थे साइंस और उनके पास स्पष्ट रूप से ईश्वरीय गाइडेंस और जीवन के लिए हिदायत होती थी जिससे पता चलता था कि ये कोई मनुष्य ऐसी शिक्षाओं का वो देने वाला नहीं हो सकता ये शिक्षाएं किसी और जगह से आ रही हैं तो नंबर एक ये उनके पास होता था नंबर दो ग्रंथ लेकर आते थे पैगम्बर वो अपनी जबान से ये शिक्षाएं भी देते और उनको उनका जीवन भी एक बहुत बड़ी चिन्ह बनता नंबर दो वो ग्रंथ लेकर आते उस ग्रंथ को वो सुनाते थे उस ग्रंथ को समझाते थे उस ग्रंथ के अंदर जो हैं, जो रास्ता है उसे खोल खोल कर मानव के सामने वो स्पष्ट रूप से बताते थे भाई ये दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये होती थी कि सत्य असत्य के लिए एक कसौटी लेकर आते थे कि आप किसी भी मामले में किसी भी काम के बारे में और किसी भी विचार और किसी भी शिक्षा के बारे में ये जानना चाहें कि क्या ये अल्लाह की ओर से है या किसी ने अपने तौर से इसको बना दिया है उसको परखने की कसौटी पैगंबर, प्रॉफिट मैसेंजर वो लेकर आते थे इन तीनों चीज़ों के आधार पर मानो से वो मुतालबा करते डिमांड करते कि देखो हम जो कुछ भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं है अल्लाह ईश्वर की ओर से है और हम अपनी तरफ से नहीं उसकी तरफ से कह रहे हैं तुम हमें मानोगे अल्लाह ईश्वर को मानना है तुम हम हमें अस्वीकार करो करो हमें झुटला दो तो हमें नहीं उसी अल्लाह ईश्वर को तुम झुटला रहे हो खूब सोच विचार कर लो और मरने के बाद तुम्हें उसी के पास जाना है तो भाई जो ये कितनी सुंदर और कितनी सत्य की आधार पर ये शिक्षा दी गई है हम इसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं भाइयों रमज़ान के इस पवित्र महीने में कुरान अवतरित हुआ है और उसकी चंद बातों को पंद्रह मिनट में मैंने बड़े संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है अगर पूरा कुरान अध्ययन करके आप देखेंगे तो ये पूरे जीवन के लिए क्या क्या बातें इसमें होंगी ये हम सब जान सकते हैं कुरान जितना मेरा है आपका भी है आइए हम ये वचन करें अल्लाह ईश्वर से कि इस रमज़ान के साथ रमज़ान के बाद हम इस कुरान का जो सारे मानों के लिए भेजी गई ग्रंथ है अध्ययन करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया